सो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह लो एंड पी लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज़ करते हो तो यहाँ पे एक चीज़ जो मोस्ट कॉमन देखने को मिलती है वो है हार्ड डिस्क। सो आपके सिस्टम में भी हार्ड डिस्क होगी, मेरे सिस्टम में भी हार्ड डिस्क है। तो गाइज, हार्ड डिस्क यूज़र को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे मैं भी फेस करता हूँ कि आपके सिस्टम में जो रीड एंड राइट स्पीड है वो काफ़ी कम होती है, एंड जब आप गेमिंग करते हैं तो भी वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलता है। सो गाइज, आज की वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप अपनी विंडोज़ में जो आपकी हार्ड डिस्क है उसको कैसे प्रॉपर वे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो, जिससे आपको मैक्सिमम जो है स्पीड देखने को मिले एंड आपके सिस्टम में कोई भी जो है एरर ना आए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे गाइज मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगा और आपको तीनों चीज़ों को जो है वो फॉलो करना है, जो आपके सिस्टम की जो हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस है काफ़ी हद तक इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइज आपको अपनी विंडोज़ के स्टार्ट आइकन पे राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको डिवाइस मैनेजर पे चले जाना है। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद देन गाइज यहाँ पे आपको डिस्क ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं, इस पर आपको एरो आइकन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको जितनी भी डिस्क जो है कनेक्टेड होगी वो आ जाएंगी। तो आपकी जो मेन डिस्क है, जो आपकी हार्ड डिस्क है जिसकी जो स्लो है स्पीड, उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मेरी एक ही सिस्टम में हार्ड डिस्क है, यहाँ पे वो आ गई है। सिंपली यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे चले जाना है। देन गाइस यहाँ पे आपको पॉलिसीज का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे गाइस अगर आपका अभी आप देखते हैं मेरी यहाँ पे कोई भी परफॉर्मेंस का ऑप्शन नहीं है, बट अगर आप WD की ब्लू जो हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं तो वहाँ पे परफॉर्मेंस का एक ऑप्शन आता है, उसको आपको जरूर चेक करके ओके कर देना है। ठीक है गाइस, देन गाइस आपको इस पर फिर से राइट क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको अपडेट ड्राइवर्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको सर्च फॉर ऑटोमेटिक पे क्लिक करना है एंड आपको इस टाइम अपने सिस्टम को इंटरनेट से जरूर कनेक्ट करना है। देन अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है कि आपके ड्राइवर्स अप टू डेट है। फिर से हम एक बार इसको क्लोज करेंगे, देन फिर से आपको यहाँ पे अपडेट ड्राइवर्स पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आपको ब्राउज फ्रॉम माई कंप्यूटर पे क्लिक करना है, लेट मी पिक फ्रॉम द लिस्ट एंड यहाँ पे आपको डिस्क ड्राइवर जो है इसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। देन आपके सिस्टम में जो हार्ड डिस्क के नए ड्राइवर जो है इंस्टॉल हो जाएंगे एंड देन आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट जरूर कर लेना है। देन गाइस हमारा सेकंड मेथड है, यहाँ पे आपको दिस पीस पे क्लिक करना है एंड गाइस यहाँ पे जो आपके विंडोज की जो लोकल डिस्क सी है जिसमें आपकी विंडोज की फाइल इंस्टॉल है, यहाँ पे गाइस आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज पे जाना है राइट क्लिक करके एंड यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टीज आ गई। यहाँ पे गाइस आपको टूल्स मिलते हैं एंड यहाँ पे आपको होता है ऑप्टिमाइज योर कंप्यूटर ड्राइव्स कैन हेल्प यू टू रन मोर एफिशिएंटली। तो गाइस यहाँ पे आपको जरूर चेक करना है, ऑप्टिमाइज पे क्लिक करोगे तो ये आपके सिस्टम में जो डीफ्रैग का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट कर देगा। ये थोड़ा सा उस टाइम जो थोड़ी सी ज़्यादा आपकी लैपटॉप की जो या डेस्कटॉप की थोड़ी सी परफॉर्मेंस ज़्यादा कंज्यूम करेगा, बट आपको कुछ देर के लिए वेट करना है, जो आपका सिस्टम है वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, डीफ्रैगमेंट हो जाएगा जो आपकी ड्राइव है। तो इस चीज़ को आपको वीकली अपने सिस्टम में जरूर परफॉर्म करना है, जो आपकी सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो अच्छी रहेगी। एंड यहाँ पे आपको एक चेक सिस्टम एरर्स का भी ऑप्शन मिलता है, तो आपको इसको भी जरूर चेक कर लेना। इसको आप मंथ में एक बार चेक कर सकते हैं एंड इससे भी जो आपकी डिस्क की परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी रहने वाली है। एंड यही सेम चीज़ आपको हर एक डिस्क जितने भी आपने पार्टीशन किया सब में फॉलो करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, टूल्स में जाता हूँ, तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ फॉलो करनी है। एंड जो आपको डीफ्रैगमेंट वाली है वो वीकली करनी है एंड जो एरर चेक वाली है वो आपको मंथली करनी है। एंड गाइस अगर आपको ये चीज़ पसंद नहीं आई, मतलब अगर आपको ये काफ़ी ज़्यादा जनरल लग रहा है कि इसको मंथली एंड वीकली, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर की हेल्प कर सकते ले सकते हैं। मैं जैसे एडवांस सिस्टम केयर जो सॉफ्टवेयर है मैं अपने सिस्टम में यूज़ करता हूँ, तो आप ऐसे किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, इनके फ्री वर्जन को आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। देन गाइस हमारा जो थर्ड मेथड है, लास्ट मेथड, वो गाइस कोई मेथड नहीं है, वो मैंने ऑलरेडी इस टॉपिक पे वीडियो बनाई है कि गाइस कैसे आप अपनी विंडोज़ की हार्ड डिस्क जो है उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपको कोई भी हाई यूज़ डिस्क यूजेस का एरर आता है, बेसिकली जब भी हमारी कोई पुरानी हार्ड डिस्क होती है वो थोड़े सा भी ज़्यादा हैवी टास्क परफॉर्म करती है तो वो 100% यूज़ पे चल जाती है, तो उस एरर को सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी आई बटन में आपको वीडियो का लिंक देखने को मिल जाएगा, वीडियो मैंने बना दिया, उसको जरूर वॉच करना, काफ़ी अच्छी वीडियो है। तो आई होप गाइस आपको वीडियो मज़ा आया, तो मज़ा वीडियो लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।